हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ कॉल्ड एडिडास सेल्स एनालिसिस, जिसमें हम एडिडास का कुछ सेल्स डेटा है जिसको हम एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल सेल्स कितना हुआ है, टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज सेल्स पर अमाउंट, जिसका हम KPIs बनाएंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, की इम्पोर्टेंट इंडेक्स। देन आफ्टर हम रीजन वाइज उसका सेल्स देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज सेल्स देखेंगे, टोटल सेल्स जिसके जो मेथड्स हैं, मीन्स ऑनलाइन सेल कितना हुआ, आउटलेट में कितना हुआ, इंश्योर में कितना हुआ वो देखेंगे, प्रोडक्ट वाइज उसका प्रॉफिट देखेंगे। देन आफ्टर हम रिटेलर में उसका कितना सेल हुआ है वो देखेंगे। जो उसके प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में हमने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो देखेंगे। एंड देन आफ्टर हम उसका पूरा एक ईयरली एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बस ये मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूँ, जिसमें आपको विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ। बाकी आपको ऐड करना है तो इसमें काफी सारी चीजें और भी ऐड हो सकती है, लाइक प्रोडक्ट वाइज सेल्स, एंड देन उसके कंपैरिजन प्रॉफिट के साथ कर लो कि किसमें प्रॉफिट सेल्स ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, जिसमें सेल्स कम है एंड प्रॉफिट ज्यादा है वैसा भी आप सर्च कर सकते हैं, इसमें से निकाल सकते हैं विजुअलाइजेशन। जस्ट मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, अभी मैं सिंपल प्रोजेक्ट एकदम बेसिक्स में जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये प्रोजेक्ट अभी इसमें बेसिक्स में बता रहा हूँ, और ये मेरा बेसिक्स का अप्रोक्स शायद लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद मैं इंटरमीडिएट स्टेज पे चले जाऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो अभी हम एक पावर बीआई का न्यू ओपन करते हैं डेस्कटॉप। इसमें मैंने ऑलरेडी डेटा सेट था जिसको मैंने इंसर्ट कर दिया था। अब आपको मैं डेटा सेट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें से चेक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में, सॉरी, ओके, ट्रांसफॉर्म डेटा में। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा ये है कि जो ये वाली 4 रो है पहले की, ये डेटा मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे पहले की रो रिमूव करनी है। अब मुझे टॉप रोज रिमूव करनी है, टॉप में से टॉप रोज अगर रिमूव करनी है तो यहाँ पे मैंने रिमूव रोज में जाऊंगा। आप देखिए कहाँ पे मैं गया, रिमूव रोज में गया, यहाँ पे टॉप 4। अगर आपको टॉप में से रोज निकालनी है तो टॉप रोज पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बॉटम रोज में, बॉटम की 4 लाइन सपोज निकालनी है, 4 रोज सॉरी, तो ये बॉटम रोज में आपको निकालना है। अगर अल्टरनेट रोज निकालनी है तो ये डुप्लीकेट निकालनी है। तो इस तरह से हम रोज निकाल सकते हैं। तो मुझे ऊपर की 4 रोज निकालनी है, तो ये मैंने ऊपर की नंबर ऑफ रोज 4, तो ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे column 1, column 2, column 3 हेडर का नेम है, और यहाँ से रिटेलर, यहाँ पे फर्स्ट रो पे मेरा इसका जो हेडिंग है वो मेरे फर्स्ट रो पे आ गया। तो मैं इसमें क्या करूंगा, न्यूज फर्स्ट रो मेरे रिबन है, यहाँ पे जाके मैं रिबन करता हूँ। ओके, नाउ चेक द डेटा। ओके, डेटा क्या बोल रहा है हमें, हमें ये बता रहा है कि सॉरी, ये अमेजोन इस तरह से है, यहाँ पे नल वैल्यू नहीं है। चेक करते पहले नल वैल्यू के लिए और क्या बताना चाह रहा है, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो नल वैल्यू नहीं है हमारे रिटेलर आईडी में भी नहीं है, इनवॉइस डेट में भी नहीं है, ठीक है, कोई नल वैल्यू नहीं है। और ईयर कौन सा है, ईयर टू ईयर मेरा 2020 एंड 2021 का डेटा है पूरा, ठीक है। फिर रीजन हमारे कौन से हैं, इसमें रीजन हमारे हैं, ठीक है, मिडवेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, वेस्ट, न्यूयॉर्क स्टेट्स है, न्यूयॉर्क एंड एवरी अदर थिंग्स सिलेक्ट ऑल, ठीक है। फिर सिटी, सिटी में भी सेम है, इसमें कोई वो नहीं है हमारे नल वैल्यू, दैट्स अ ग्रेट पार्ट। ओके, इस तरह से मैंने पूरा चेक किया है डेटा, इसमें कहीं पे भी नल वैल्यू नहीं है, तो भी आप एक बार चेक सॉरी, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने चेक किया हुआ है, तो भी आप कभी भी यूज करने से पहले इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है कि आपको पूरा क्लियर मिले क्या है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है एक डेटा, तो इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ओके, क्लोज एंड अप्लाई करके मैं यहाँ पे आ गया मेरे विजुअलाइजेशन चार्ट पे, पैन पे, जहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, यहाँ पे मेरा रिपोर्ट व्यू रहता है। अब मैं जाऊँगा टेबल व्यू में। ओके, टेबल व्यू में हमारा क्या रहता है, टेबल व्यू में हमारा टेबल व्यू फॉर्म में डेटा होता है। तो इसमें मेरा क्या है कि
पर पीस यूनिट है, यूनिट सोल्ड है, टोटल सेल्स है। ओके, नाउ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ओके, इसमें एक इश्यूज। देखिए, अब इसमें क्या है, जो डेटा सेट मुझे मिला है ना, उसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ एरर है। आप देखेंगे कि ये जो टोटल सेल्स है ना, वो मेरा क्या होता है, टोटल सेल्स यूनिट सोल्ड इंटू प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो इसमें आप देखिए सब में ना 0 0 0, जैसे अब मैं 55 इंटू 125 करता हूँ तो 6875 आता है। ओके, बट इसमें है 6875। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही, सब में ऐसा है। तो इसमें अभी मैं क्या करूंगा कि इसमें अभी मैं एक न्यू कॉलम बना दूंगा। न्यू कॉलम किसका मैं बनाऊंगा, टोटल सेल्स का बनाऊंगा, टोटल सेल। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, जिसमें मैं करेक्ट वैल्यू प्लेस करूंगा, करेक्ट वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ये मेरा होगा यूनिट सोल्ड। ओके, तो मैं अब ये करूंगा तो मेरा क्या है, टोटल सेल मुझे मिल जाएगा। तो मैं ये जो कॉलम है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, इसमें अब एक और चीज क्या है, इसमें मेरा एक और चीज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कैलकुलेशन था वो ऑपरेटिंग मार्जिन इंटू टोटल सेल्स था, बट मेरा टोटल वैल्यू का गलत है, जो वैल्यू ऐड की हुई थी टोटल सेल्स की वो गलत थी। तो सिमिलरली मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो भी गलत होगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें अब हम एक और कॉलम बनाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू टोटल सेल्स, टोटल सेल्स इनटू मेरा क्या रहेगा, ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन। ओके, तो अब मैं ये करूंगा, मेरा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी है तो प्रॉफिट्स कर देते हैं, फिर इसको डिलीट कर देंगे। ओके, और फिर यहाँ से इसको अब आप देखेंगे ना, ये देखिए क्या है, 2024062.5 और ये 240, तो एक एक डेसिमल एक्स्ट्रा आ गया बिकॉज वहां पे जीरो एक्स्ट्रा था। ओके, तो ये मेरा टोटल वैल्यू आ जाता है। ओके, नाउ तो ये आ गया मेरा, तो यहाँ पे मेरे पोजीशन और सब कुछ आ गए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे मेरे डेट दिया हुआ है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट क्या है, 26 अक्टूबर 2021। मुझे ये फॉर्म में डेट कभी नहीं चाहिए होता है, मुझे वो चाहिए होता है 26/10/2021, और जिसको मैं सेपरेट कर सकूँ। तो मैं क्या हैबिट कि कभी भी मेरे पास डेट होता है ना, तो मैं एक डेट का एक एक्स्ट्रा सेपरेट टेबल बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं एक न्यू टेबल बना हुआ, ठीक है, न्यू टेबल की मैं न्यू टेबल किस बेसिस पे बनाऊंगा, मैं डेट्स के बेसिस पे बनाऊंगा। तो डेट के लिए मेरे पास एक फंक्शन रहता है कैलेंडर ऑटो। ठीक है, कैलेंडर ऑटो क्या करता है, कैलेंडर ऑटो है ना, मेरा जैसे इनवॉइस डेट है ना, वो इनवॉइस डेट को जैसे मैं ऑटो करके जस्ट ये पैरेंथिसिस दूंगा, तो इनवॉइस डेट को ये फेच करके ऑटोमेटिकली सारी डेट ले लेगा यहाँ से। ओके, तो ये इस तरह से पूरी डेट यहाँ पे मेरी आ गई है, जो इनवॉइस डेट थी पूरी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा नहीं करना, इसमें क्या होता है कि जनवरी से स्टार्ट कर रहा है, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, कैलेंडर, फिर यहाँ पे मिनिमम डेट डाल सकते हैं, मिनिमम का जो इनवॉइस डेट है वो, फिर कॉमा, मैक्सिमम का जो इनवॉइस डेट है, ये करके भी आप कर सकते हैं, डेट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम आएगा, बट मेरा ये डेटा ऑलरेडी मेरा 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, 1 डेट से, इसीलिए मैंने डायरेक्ट कैलेंडर ऑटो यूज कर लिया है। ओके, लेकिन अगर आपके डेट मिडल में से स्टार्ट हो रही है या इस तरह से है, तो फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी आपका डेटा ईयर टू ईयर नहीं है, कोई बीच में से, जैसे आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है जून से, जुलाई से, तो आप वहां पे कैलेंडर मिन मैक्स करके यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये मेरा डेट आ गया है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे उसका ईयर निकालना है पहले, तो मैंने ईयर निकाला। ईयर निकालने के लिए मुझे ईयर जो चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है ईयर, और यहाँ पे मेरा क्या है, फंक्शन डेट। ठीक है, तो ये किया, मेरा क्या आ गया, ईयर आ गया।
जो ईयर है। ओके, अब मैं एक और न्यू कॉलम बनाऊंगा। एक और न्यू कॉलम किसका बनाऊंगा मैं, मंथ का। मंथ में, अब मुझे मंथ में उसमें ये 1, 2, 3, 4 ऐसे मंथ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जनवरी फरवरी नेम चाहिए। तो उसमें जो मंथ का, अभी मेरा जो डेक्स फंक्शन है मंथ का, वो मैं यूज नहीं करूंगा। जो मेरा मंथ का जो दिया है वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मंथ का नेम चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फॉर्मेट। ये ध्यान रखना आप, फॉर्मेट यूज करके मैं डेट कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, MMM, यानी 3 लेटर्स में मुझे चाहिए, जैन फेब मार्च, इस तरह से। तो ये मेरा आ जाएगा जैन फेब, ये सब आ गए मेरे, ठीक है। अगर आपको डेट चाहिए इसमें, मुझे ऑल्दो जरूरत नहीं है, देन ऑल्सो अगर आपको डेट डेज चाहिए, ओके, कि मेरे कौन से डे पे है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो उसके लिए आपको बता रहा हूँ। वैसे इसमें जरूरत नहीं है, तो भी देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू फॉर योर प्रैक्टिस। तो उसमें हमारा क्या रहेगा, DDD, तो ये मेरा हो जाएगा डेज, वेडनेसडे थर्सडे। अगर एक डी कम करते हैं हम, तो ये हमारा हो जाएगा वेड थर्स, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम पूरा फॉर्मेट एक बनाते हैं। तो जनरली एक प्रैक्टिस बना लीजिएगा कि जब भी मेरे पास कोई डेट हो ना, तो मैं एक डेट का सेपरेट टेबल बना सकूं। तो उसमें क्या होता है, जब मैं यहाँ पे मॉडल व्यू करता हूँ, तो उसमें मुझे एनालिसिस में काफी बेनिफिट होता है। ये अभी तो ये छोटा है जो मेरा डेटा, जिसमें एक ही रो, लेकिन अगर मेरी नंबर ऑफ रोज बढ़ती है, तो मैं एक डेट का पूरा एक सेंट्रल फॉर्म बना लेता हूँ, जिसमें फैक्टर डायमेंशन यूज करके, और मैं प्रॉपरली उसको मॉडल को कनेक्ट करता हूँ एक दूसरे से, एंड देन मैं उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, मीन्स मोर। तो इस तरह से एक प्रैक्टिस रखिएगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। और यहाँ पे हमने ये रिलेशन बना दिया है 1 to many का, जो ऑटोमेटिकली ये पावर बी आई जनरेट करता है रिलेशन, ठीक है। हमने इन दोनों को लिंक कर दिया, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे KPIs बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने KPIs कुछ बनाई है, तो यहाँ पे हम KPIs किसके, अच्छा, KPI बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको एक मेजर्स बनाने पड़ेंगे कुछ। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, मेजर्स, ओके, मेजर्स बनाया। यहाँ पे मैंने न्यू मेजर क्लिक किया। अब न्यू मेजर से मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन ऑफ किसका, मेरा टोटल सेल्स का, टोटल सेल का, ठीक है। तो ये मेरा समेशन हो गया, टोटल सेल आ गई मेरी, ओके। नाउ अब मेजर किसका करूंगा मैं, मेरे पास अनसोल्ड यूनिट, अनसोल्ड टोटल सेल, और क्या है, प्रोडक्ट, एक बार और देख लेते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, यूनिट सोल्ड है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी मेरी सोल्ड हुई है वो मैं निकाल सकता हूँ इसमें न्यू मेजर्स करके, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटीज, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू सम, इसमें क्वांटिटी आप काउंट नहीं कर देना, सम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूनिट कितनी सोल्ड हुई है वो कर रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो मेरी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में मुझे क्या चाहिए इसमें, टोटल प्रॉफिट। इसमें मैंने क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी लिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, तो उसमें मेरा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेजर क्लिक करता हूँ, मेजर से यहाँ पे करते हैं हम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ये मेरा आ गया, ओके। अब इसमें हम निकाल सकते हैं सेल्स पर, एवरेज सेल्स भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं निकालता हूँ एवरेज सेल्स। एवरेज सेल्स कैसे निकालेंगे हम, करेक्ट, आप जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है कि हम एवरेज सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल मिला जो मेरा जो हुआ है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी मेरी जो हुई है, ओके। ये मेरा टोटल एवरेज सेल्स हो गया, ओके। तो अब मेरे KPIs ये रेडी हो गए हैं। तो मेरा KPI के लिए मैं क्या करूँगा, KPI के लिए
मैं इसमें पहला दूंगा टोटल, इसको डेट को मिनिमाइज कर देते हैं हम। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स मेरा कितना है 120। अच्छा इस तरह से आया है, इसको पहले थोड़ा सा करते हैं 120.17 मिलियन डेसिमल में हटा देता हूँ, तो 120 मिलियन हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से ओके यहाँ पे रखता हूँ। ओके इसको मैं फॉर्मेट में ला के पहले यहाँ पे टाइल्स में टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम क्या देते हैं, टोटल टोटल सेल्स दे देते हैं। टोटल सेल्स दे दिया है हमने, इसको पहले सेंटराइज कर देते हैं। ओके इसको बोल्ड करके सेंटर में ला देते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल सेल हो गया है। इसके साइज में थोड़ा सा कम करके 12 कर देता हूँ, ये सही रहेगा। नीचे से इसको कैटेगरी लेवल हम हटा देते हैं। ओके ये रहेगा, ठीक है, ये मेरा टोटल सेल्स आ गया है। ओके इसमें क्या रहेगा, इसमें मुझे कलर करना है, तो मेरा कलर क्या था फॉर्मेट में, ये मेरा कलर है इसका। ओके तो यहाँ पे मैं जाके इसमें मेरा एक कलर है, कलर मेरा कौन सा कलर रखना है, इफेक्ट में जाके मैं जाके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा आ गया है। ठीक है, ये मेरा टेल्स आ गई है। यहाँ पे मैं शेडो कर देता हूँ, शेडो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, शेडो मैं थोड़ा सा ब्लूइश रखूंगा। ये क्या है कि इसमें जो पीछे मैं बैकग्राउंड रखूंगा उसमें मुझे हेल्प रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ब्लूइश ऐसा नहीं, थोड़ा सा ओके ये ब्लूइश रहेगा। हाँ तो ये मेरा ये टोटल सेल्स हो गया। यहाँ पे एक और केपीआई मेरा आ जाएगा, यहाँ पे केपीआई मेरा दूसरा कौन सा है, यहाँ पे दूसरा केपीआई है ये मेरा टोटल प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट मेरा 47 मिलियन है, दैट्स ग्रेट। टाइटल में चेंज कर देता हूँ टोटल प्रॉफिट। ओके नाउ अब मैं इसको एक और ये कर देता हूँ, एक और केपीआई मेरा, एक और दूसरा केपीआई कौन सा है, टोटल क्वांटिटी का। टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी है, 2 मिलियन मेरी क्वांटिटी है टोटल। यहाँ पे फिर से मैंने इसको टाइटल को चेंज कर दिया है टोटल क्वांटिटी में, टोटल क्वांटिटी सोल्ड आ जाएगा, क्वांटिटी सोल्ड। ओके सोल्ड, ओके ये आ गया। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूंगा, इसमें मेरा क्या रहेगा, एवरेज सेल्स, एवरेज सेल्स आ जाएगा। एवरेज सेल्स मेरा कितना है, 48। ओके ये सब क्या है कि ये यूएसडी में है, तो अब हम क्या करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको डॉलर में कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि मेरा ये डॉलर में आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट भी मेरा कितना है डॉलर में है। ओके तो ये डॉलर में आ जाएगा। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी तो मेरी नंबर में होती है, और ये टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय। ओके तो ये मेरा 48 डॉलर पर पीस मैंने कहाँ आया है, एक्सपर्ट डेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन में हम क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन में हम करेंगे कि हमारा जो है, ओके विजुअलाइजेशन में हम इसमें हमने क्या देखा था, क्या निकालना है हमें, रीजन वाइज सेल्स, हमारा रीजन वाइज सेल्स कितना हुआ है, रीजन, और हमारा ये आएगा टोटल सेल्स ले लेना, टोटल सेल्स सॉरी लेजेंड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं स्लाइस करके करके यहाँ से डेटा वैल्यू परसेंटेज कैटेगरी और परसेंटेज टोटल, तो ये मेरा हो जाएगा। अब मैं इसको कलरिंग कर देता हूँ, टोटल सेल्स में रीजन मेरा जो टाइटल है उसको सेंटर में ले जाता हूँ मैं। ठीक है, इसको बोल्ड करके सेंटर में ले लेते हैं।
करना है। ओके इसको फिर से हम 12 कर देते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं और सेंटराइज कर देते हैं। ओके नाउ अब हमारा कलर कौन सा था इसमें, हमने देखा था जो हमारा कलर था बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर का जो हमारा एकदम वो तो कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे से बैकग्राउंड कलर ये करके मैं कर सॉरी ओके ये मैंने यहाँ से ले लिया है ये कलर को। अब यहाँ पे से मैं इसमें करके यहाँ पे से मोर कलर, ये रहा मेरा कलर। ठीक है तो ये मेरा आ गया एक और, तो यहाँ पे अब मैं एक और कॉपी पेस्ट कर दूंगा इसमें, तो उसमें मुझे क्या चाहिए टोटल सेल्स बाय रीजन मेरा आ गया है। अब मैं टोटल सेल्स बाय स्टेट कर सकता हूँ, तो टोटल सेल्स बाय स्टेट, स्टेट में तो मेरा ऐसा काफी स्टेट्स आ रहे हैं। एक काम करते हैं रिटेलर में कितने सेल हुए, यानी वेस्ट फुट लॉकर में मेरे कितने, स्पोर्ट्स में कितने सेल हुए हैं, वॉलमार्ट में कितना सेल हुआ है, तो इस तरह से मेरा ये सेल्स टोटल सेल्स बाय रिटेलर आ गया है। तो इसी तरह से मैं एक और ये करता हूँ, तो इसमें टोटल सेल्स मैं निकालता हूँ, टोटल सेल्स मेरा प्रोडक्ट वाइज मैं टोटल सेल्स निकालता हूँ। मेन स्ट्रीट में मेरा सबसे ज्यादा सेल हुआ है 23.04%, अराउंड नियर अबाउट मेरा वुमन में हुआ है, फिर ये मैन और ये सब में मेरे सेल इस हिसाब से हुए हैं। ओके तो अब मैं यहाँ पे टोटल सेल्स में इसमें एक काम करते हैं, अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके टोटल सेल्स प्रॉफिट, प्रॉफिट हम निकालते हैं हमारा क्या है, इसमें एक साइज देख लेता हूँ मैं, साइज साइज हमारी कौन सी है, तो प्रॉपर्टीज में 198, प्रॉपर्टीज में जाके 198 और ये कितनी है 263, 263। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ले लेते हैं साइज में 178 एंड 263, क्या साइज थी 198, 198 एंड 263, तो 198 एंड 263 मेरी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नियर अबाउट ले लेते हैं, इसको पास में ले लेते हैं, सिमिलरली 198 एंड 263, 198 263 ठीक है ये आ गया। इसको और पास में लिया, यहाँ पे हम फिर से ले लेते हैं और 198 263 ठीक है ये मेरा हो गया। और सिमिलरली मैं एक और कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो वो मेरा अबाउट ले लो तो यहाँ पे मेरा एक और तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, टोटल प्रॉफिट मेरा प्रोडक्ट वाइज। तो इसमें आप ये चीज देखिए पहले तो कि मेरा मेन स्ट्रीट में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, इसमें मुझे उतना ही 24% प्रॉफिट दिया है। सिमिलरली ये और मोर और लेस ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक के उसमें कम क्वांटिटी सेल हुई और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो अच्छा टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट दो बार आ गया है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट की जगह अगर मैं टोटल सेल्स बाय स्टेट करता हूँ, स्टेट तो मैंने किया था, उसमें काफी स्टेट्स हैं, तो इसमें रिटेलर प्रोडक्ट रीजन आ गया, प्रोडक्ट वाइज आ गया ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले लेता हूँ, प्रॉफिट मेरे कौन से रीजन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिए हैं वो देखते हैं। तो इसमें मेरा सबसे ज्यादा रीजन वाइज सेल्स वेस्ट में हुआ था, उसी तरह से वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेल्स उतना हुआ था, प्रॉफिट ये है। ओके अब आप ये देखिए साउथ में मेरे क्वांटिटी कम सेल हुई है एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट, लेकिन मेरा प्रॉफिट साउथ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ ईस्ट। ओके सो ये बहुत अच्छी चीज आपको दिख रही है, तो इसी तरह से आप एक विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। ओके सिमिलरली अब मैं एक और विजुअलाइजेशन चार्ट बना रहा हूँ, इसमें हम क्या देखेंगे, ओके इसमें हमें क्या देखना है, हम इसमें हमें देखना है
प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी सोल्ड, कि मेरी प्रोडक्ट वाइज मेरी कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, ओके, और टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल क्वांटिटी, ओके, तो ये मेरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस को, ये मेरा आ गया है, यहाँ पे मैं सेकेंडरी वाई एक्सिस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये प्रॉपरली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये डेटा आ गया है, तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे क्वांटिटी वाइज कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, इसको मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ तो मेरा इस तरह से आ जाएगा, बढ़िया, ओके। तो इसमें काम करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, टोटल क्वांटिटी की जगह अगर मैं टोटल प्रॉफिट लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, ओके, सिमिलरली आप देखेंगे टोटल प्रॉफिट मेरा, सेल्स और प्रॉफिट में कितना हुआ, ये मेरा आपके पास ये डिटेल आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टाइम वाइज मीन्स ईयर वाइज मेरा कितना सेल हुआ है, डेट वाइज मैं ये देख लेता हूँ, टोटल सेल्स मेरा डेट वाइज देख लेता हूँ। तो डेट वाइज मेरा क्या है, तो यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम लिया, ठीक है, ये रहा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें चार्ट कौन सा लेता हूँ, इसमें मैं चार्ट लाइन चार्ट लेता हूँ, तो ये मेरा बेटर रहेगा, ओके। तो इसमें ये देखिए आप, है ना, ये ड्रिल डाउन है, इसको ड्रिल डाउन बोलते हैं, आपका जहाँ पे भी हायरार्की डेटा होता है, जैसे डेट, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे, ये हायरार्किकल डेटा है, तो यहाँ पे ड्रिल डाउन होता है। वो ड्रिल डाउन कैसा दिखता है, ये रहा आपका, ठीक है। तो ये देखिए, क्लिक ऑन टर्न ऑन ड्रिल डाउन, तो वो आपका मंथ में हो जाएगा, फिर ईयर में हो जाएगा, इस तरह से होता है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप ये देखिए, तो यहाँ पे मेरा कौन सा ये मंथ वाइज डेटा आ गया है मेरा। तो इसमें आप देखेंगे जनवरी दिसंबर 2020 में मेरा डेटा, मेरा सेल कम था, क्वाइट ऑब्वियस फॉर द कोविड रीजन, ठीक है, लेकिन 2021 में सडनली शूट अप हुआ है मेरा सेल, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रिल डाउन करके ये देखिए, यहाँ पे आपका डिटेल और आ गया है पूरा। तो इस तरह से आपका डेटा ये होता है, तो आप ये एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको वापस ओरिजिनल पे जाना है तो यहाँ पे मैं हायरार्किकल डेटा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा डेट वाइज सेल आ गया, ओके। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, तो इसके साथ में मैं प्रॉफिट भी डाल देता हूँ, ओके, तो मेरा प्रॉफिट भी आ जाएगा। अगर मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूँ तो आपके, सॉरी, ड्रिल अप करना पड़ेगा, तो ड्रिल अप करता हूँ तो आप देखिए, तो मेरा सेल कम था, सिमिलरली जैसे मेरा सेल बढ़ा है मेरा प्रॉफिट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ है, ओके। तो इस तरह से मेरा ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं ड्रिल डाउन फिर से मैं ये हटा दूंगा, यहाँ पे मैं एक्सपेंड एक लेवल नीचे कर दूंगा, तो ये मेरा डेटा आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ स्लाइसर बना देता हूँ। स्लाइसर्स कहाँ है मेरे, ये रहा मेरा स्लाइसर, स्लाइसर यहाँ पे मेरा स्लाइसर आ जाएंगे। स्लाइसर में मैं क्या करूँगा, स्लाइसर में मैं यहाँ पे स्टेट वाइज सेपरेट कर दूंगा इसको, ओके, या फिर आप, हाँ, स्टेट वाइज भी कर सकते हैं इसको सेपरेट, क्योंकि स्टेट का मेरे पास डेटा नहीं, तो मैंने स्टेट वाइज इसको सेपरेट यहाँ पे कर दिया है। तो आप इसमें पहले स्लाइड हेडिंग में स्टेट जाएंगे, ये आएगा वर्टिकल लिस्ट की जगह मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन, ओके, ये ड्रॉप डाउन आ गया, एकदम बढ़िया सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे स्टेट आ गया है, परफेक्ट है। इसको कलर कर देते हैं थोड़ा, इसको इफेक्ट में जाके, बैकग्राउंड में जाके इसको सिमिलरली कलर कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक और ये बना देता हूँ, तो इसमें स्लाइसर मैं किसका करता हूँ, रिटेलर वाइज, ओके, रिटेलर वाइज यहाँ पे मैं कर देता हूँ। रिटेलर वाइज मीन्स अमेजोन में है, तो अमेजोन में मेरे कितने सेल हुए हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये कोल का देखता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से मेरा पूरा डेटा आ गया है। वॉलमार्ट में मैं देखता हूँ, तो वॉलमार्ट में आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे नोट करना, आप वॉलमार्ट में मेरे पास थोड़ा बहुत डेटा तो दिख रहा है, लेकिन अमेजोन में देखिए मेरे पास डेटा ही नहीं दिख रहा। तो वो हो सकता है कि ये डेटा मेरा अमेजोन में जब आया होगा उसके बाद का डेटा हो, तो
इस तरह से मेरा ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट है। और आप देखिए यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, जैसे अमेजोन का आपको पता चला है। यहाँ पे फिर मैं एक टेक्स्ट बना देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट मेरा क्या है, एडिडास सेल्स एनालिसिस, इसको इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आके इसको मैं इस तरह से ये एकदम इजी प्रोजेक्ट है, मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोजेक्ट यू विल फाइंड आउट। यहाँ पे ठीक है, क्या है मेरा एडिडास सेल्स एनालिसिस, ओके ये मेरा आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। डार्क ग्रीन में थोड़ा कर देते हैं, मुझे ब्लू कलर थोड़ा पसंद है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। इसको अगर मैं ये बैकग्राउंड देता हूँ, एनालिसिस कर लूँगा, ओके। थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं इसको थोड़ा सा वाइट, हल्का सा इसको यहाँ पे हो जाएगा, ओके। इसको थोड़ा सा हम जारी कर देते हैं, बोल्ड बोल्ड नहीं करना, इसको 50 कर देते हैं। इसको बोल्ड में कर देते हैं, इसको एक स्पेसिफिक कर देते हैं, 50 50 होगा क्या, 54 ही होगा, बढ़िया। तो रहने दो फिर, इसको यहाँ पे ये हो जाएगा, ओके। अब मेरा ये एक डेटा बन गया। अब मैं क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसमें बैकग्राउंड क्या रखेंगे, यहाँ से करते हैं इंसर्ट मॉडल करते हैं ना। कहाँ गया मेरा, व्यू में जाके, व्यू में जाके सपोज अगर मैं ये करता हूँ, ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ, वो पहले वाला जो मेरे पास है उसको मैं यूज नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जाके हम सेम, इससे अच्छा तो इसमें हम बैकग्राउंड क्या ले सकते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड ये लेता हूँ, ठीक ही है, या फिर मैं बैकग्राउंड लेता ही नहीं हो तो, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, इसमें तो है मेरा वो ये रखता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैं बैकग्राउंड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड आपको मैंने शायद बैकग्राउंड और वॉलपेपर का डिफरेंस बताया हुआ है, करेक्ट। वॉलपेपर है ना, जो ये बाउंड्री होती है ना यहाँ पे डॉटर, जो मेरे स्क्रीन, वो मेरा वॉलपेपर है, और उसके पीछे पूरा जो पेज होता है वो मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना एक। सो होप सो, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ये बहुत शॉर्ट प्रोजेक्ट था, आपको जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। तो होप सो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, बट मैं मुझे एक काम नहीं पसंद आ रहा है, सॉरी, चेंज कर देते हैं। तो ओरिजिनल था वही रख के हम इसमें बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड मेरा क्या रहेगा, बैकग्राउंड में अगर ब्लैक कर देता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल कैनवास का वॉलपेपर मैं ब्लैक कर देता हूँ। या फिर थोड़ा सा फेंट ब्लू करे तो नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे एक बताया था कि हम कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ओके। सो नाउ होप सो ये आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। सो मैं ओके, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ये बहुत इजी प्रोजेक्ट है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे पावर बीआई में आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एंड आप ऐसे प्रोजेक्ट्स कुछ थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे मैंने 30 मिनट्स में कर दिया, ये 30 मिनट्स में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स रहेगा वो मैं आपको बताते रहूंगा, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स अभी मैं आगे अपलोड करते रहूंगा आपको, आपके लिए, ओके। थैंक यू गाइस, ओके गाइस, बाय, थैंक यू।